अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। यहाँ हम कारपेट्स देखने आए हुए हैं मार्केट में। और मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि मैं जब किसी चीज़ को लेने के लिए निकलती हूँ तो फिर मैं वो काम अपना पूरा करके ही घर आती हूँ। नेक्स्ट डे पे छोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, बहुत ही ज़्यादा, कि फिर कल नए सिरे से जाएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। और ज़िशान मुझसे ऑपोजिट हैं। ज़िशान जो हैं वो 2-3 दिन मार्केट जो है वो घूमते हैं और प्रॉपर देखते हैं, तो फिर जो है कोई चीज़ को फाइनल करते हैं, जो कि अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है, आपको रेट्स का भी पता चल जाता है और चीज़ भी पता चल जाता है कि मार्केट में आजकल क्या है इनने। तो खैर, हम तो वॉल टू वॉल कारपेट डलवाने लगे हैं जो कि आउट ऑफ फैशन हो चुका हुआ है। बहुत कम घरों में अब ये चीज़ रह गई भी है, लेकिन हमें अपनी कन्वीनियंट देखनी है। और चूंकि यहाँ पे हेल्पर्स नहीं होते हैं और कारपेट के बिना काम बढ़ जाता है, ठीक है ना, मॉपिंग वगैरह का, तो वो बहुत मुश्किल हो नहीं, ये जाता है। थोड़े से तो हेल्पर्स हों फिर फिर तो किए चले ना, कोई बात नहीं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बस आखिर में उसके भी यही अलावा होता मुझे है कोई। इस तरह थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल भी फील करती हूँ कारपेट्स जो ले हूँ घर में। तो खैर जी, कारपेट लोड हो चुके हैं और वो हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा आपको मैं ये जबल ओहद का नज़ारा करवा दूँ रात में, जब लाइट्स पड़ती हैं तो कितना खूबसूरत ये लगता है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ घर आ चुके हैं और कारपेट वगैरह सब जीशान ने डलवाए हैं। मैं तो एक रूम में थी एक्चुअली। यहाँ पे ये सिस्टम है कि बिल्कुल भी लेडीज़ जो है ना वो नहीं, जब वर्कर्स घर आते हैं तो उनके सामने आती। ये देखें जी, ये सेटिंग हुई है, दो कलर हैं इसके अंदर। ये देखो, इस तरह वाइट दे रहा है और कहीं जहाँ दूसरा है तो वहाँ क्रीमी शेड दे रहा है। ये देखें जी, इस साइड पे आप कह रहे हो बेड आ जाए और इस साइड पे अलमारी आ जाए, जिस तरह कहते हो सामने से देख लो ये है। अच्छा देखिए जी, एक ये भी हो सकता है कि इस तरह ये सामने दीवार पे इस तरह ही आ जाए उधर, ये कि वो जो एंड वाला है उसका एक दराज बंद होगा, दूसरा खुल जाएगा अगर नहीं यूज़ करना तो, ठीक है। और ये दरमियान में चूर जी, अस्सलाम वालेकुम, ये फाइनल टच देख लें भाई। जी, तो मैं बता रही थी कि यहाँ का ये कल्चर है और बहुत अच्छी बात है। हमारे मज़हब में भी ये बात है कि हमें नामहरम मर्दों से पर्दा करना है। तो खैर जी, यहाँ का ये कल्चर है और उसी के साथ फिर चूँकि एक माइंडसेट लोगों का बन जाता है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी बहुत ही मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अगर कोई लेडी सामने आके वो कहे जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर लें, मतलब इस तरह से नहीं, इस तरफ कारपेट डाल लें, तो वो वर्कर्स भी बेचारे उनके भी हाथों फूल जाते हैं। मतलब कुछ कोई ममानत नहीं है, लेकिन यही चलता है तो हम भी उसी रूल्स को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ हमारे कंट्री में कहाँ ये चीज़ें हैं। और मतलब वहाँ पे लेडीज़ तो खुद मर्दों की तरह उठ खड़े होकर सब काम करवाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, करवाना भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास खावन, बेटा, बाप, भाई की सूरत में मर्द हो तो फिर और तो कुछ भी नहीं चाहिए, आप सुकून से बैठे और वो करवा लेंगे काम। तो खैर जी, बात कहीं और चले गई। तो ये थोड़े बहुत मैंने बॉक्सेस खोले और थोड़ा बहुत घर को प्रॉपर सेट कर रही हूँ। आपको पता है कि बहुत दिन और हफ्ते और महीने लग जाते हैं इन चीज़ों को, तो थोड़ी बहुत हमने ग्रॉसरी भी की है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं प्रॉपर शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत आपको यहाँ दिखाऊँगी। 2-3 दिन में हमने ग्रॉसरी डिफरेंट स्टोर से इकट्ठी की है, तो इंशाल्लाह कल नहीं तो परसों प्रॉपर किचन में खाना वगैरह मैं स्टार्ट कर लूँगी। एक्चुअली हमारा भी दिल बहुत तंग पड़ गया हुआ है बाहर के खानों से, लेकिन क्या करें, फिर मजबूरी है। और ये सब कुछ जो है ना वो मैं कुल्ला शेख खमसा एवरीथिंग इन 5 रियाल वाली शॉप से लेकर आई हूँ। तो ये भी थोड़ी बहुत चीज़ें आई थी लेकिन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ बिल्कुल भी। यकीन करें, इतनी एग्जॉस्ट हो गए हुए हैं और थक गए हुए हैं कि बस क्या बताएं आपको।
तो अच्छा, किचन की सेटिंग करते 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 अब तक मैं कुछ चौथी पांचवी दफ़ा चेंज कर चुकी हुई हूँ। तो ऐसे ही होता है ना, जब आप नए नए घर में शिफ्ट होते हैं तो अच्छा ये चीज़ यहाँ रख लें वहाँ रख लें। तो रात का टाइम है और मैं किचन वगैरह के छोटे छोटे जो घर के रूटीन के काम हैं उन उनको वाइंड अप कर चुकी हूँ। और यहाँ हम खाएंगे पिज़्ज़ा, इंजॉय करेंगे और बहुत मज़ेदार है, घर के बिल्कुल बाहर ही मिलता है। तो शान लेकर आए हैं, पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे और एक आध दिन की बात है, इंशाल्लाह फिर हम अपना प्रॉपर से किचन को सेट कर लेंगे। तो आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, मुझे ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक दिया करें कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आया करूँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपनी रूटीन लाइफ। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, फ्राइडे वाला दिन था तो हम लोगों ने दोपहर में एलबैक मंगवाया था, घर में ही आ गया था क्योंकि घर के बिल्कुल नज़दीक है। और ये इसका नया बर्गर है, नया बर्गर की इनकी यही स्टोरी है कि अंदर पैटी सेम है, वही टेस्ट ब्रोस्ट का है, वही नगेट्स का है, वही बर्गर्स का है, बस इसमें चीज़ डाल दिया तो ये नया पैकेट हो गया, नया सॉरी बर्गर हो गया। वो पैकेट सामने आया तो मुंह से पैकेट निकल आया। अच्छा जी, तो फिश को मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा मेल्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। और साथ में जो है ना वो ये नट्स वगैरह हैं बाजा के, बाजा के बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट होता है, ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे रहने वाले लोग थोड़ा सा बाकी खुले ड्राई फ्रूट की बनिस्बत महंगा होता है, लेकिन ठीक है, टेस्ट होता है, आपके पैसे वसूल हो जाते हैं। तो बस ये ग्रॉसरी वगैरह इंशाल्लाह मैं इसको संभालूंगी और आपके साथ फिर किसी नए ब्लॉग में मुलाकात होगी और किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।